अविनाश और चुम की कन्वर्सेशन फिर से भड़कती हुई दिखी। जी हाँ, सही सुना आपने। हेलो गाइज, मैं हूँ चितम पांडे और आप सब देख रहे हैं टेली मैजिक। बिग बॉस के घर में अलग किस्म का रोमांचक मोड़ आ गया है, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि अभी अभी अविनाश ने विवेन से कहा कि भाई आप यहाँ पे बैठो और मैं चुम को बुला के ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, जो चुम के अंदर गलत फहमी है वो अविनाश दूर करना चाहते थे, कि क्या बात हुई थी, क्यों चुम उन्हें साला साला करके ट्रिगर कर रही थी। यही सब बात करने के लिए विवेन को अविनाश ने अपने पास बैठाया और चुम को भी बुला के कन्वर्सेशन शुरू ही की। तभी उस वक्त जैसे कन्वर्सेशन शुरू हुई, वहां पीछे से हेमा जी भी आ गए, नायरा भी आ गई, एलिस भी आ गई और वो कन्वर्सेशन फिर से एक आग में बदल गया। जी हाँ, और फिर से कन्वर्सेशन भड़क गया और तूतू मैं चालू हो गया। वहां पर शहजादा भी आ गए और विवेन का भी यही मानना था कि अविनाश ने घर में एक ऐसी इमेज बना ली है कि अब वो कुछ भी बोलेगा तो सभी घर वाले एक साथ उस पर भड़कने लगेंगे। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या अविनाश सच में अब गलत है, कि अविनाश के साथ सच में अब बुरा हो रहा है, क्या अविनाश को अपना पॉइंट रखने का भी हक नहीं है। आप ऐसी तमाम अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। हम सारी अपडेट आपके पास टाइम टाइम पहुंचाते रहेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में लिख के बताएं, क्या अविनाश का ऐसा बर्ताव सही है कि गलत। थैंक यू सो मच।